हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शो भाई साहब फैमिली में। अर्शु बोल रहा है क्या लॉक किया आपने? हाँ गाड़ी क्यों खोल रही है? पागल हो गई क्या? मैंने लॉक कर दिया है। अखबार पढ़ना है और हमने अभी दूध पिया है और आज हम थोड़ा लेट उठे क्योंकि रात को बहुत लेट सोए थे, मतलब 1:30 बज गया था रात को सोते सोते, थोड़ा लेट उठे। और गॉड से वंशलोचन मांग लो फटाफट, मांगो मांगो गॉड से। देखो गॉड ऊपर देख रहे हैं, गॉड बोल रहे हैं क्या चाहिए अर्शु को? मांगो गॉड से, कानू मांगो गॉड से, बोलो गॉड। अब जीजी बाटा सुन लो, अब जीजी बाटा पहले गॉड से बोलो, पहले गॉड से बोलो, गॉड से मांगो। गॉड जीजी बाटा दे दो प्लीज, प्लीज बोले थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा दे दो। कितना सा? अच्छा कितना सा? इतना सा नहीं, बोलो इतना सा दे दो, इतना सा दे दो। ज्यादा तो मेरे को डॉक्टर अंकल है ना, इंजेक्शन लगा देंगे। पहले ये फिनिश करो, पहले ये फिनिश करो। बस आप भी पांच सात होगा जाता है यार, पांच ईयर ये मोन तो मुंडो कर लिया। अर्शु, आज अर्शु की चोटी देखो, हमने आज अर्शु की ऐसी चोटी बनाई है, दो भूत के पीले से लंबी सारी चोटी। ना ले मेरी माँ। हाँ चलो खोले, लो इसमें डाल दो कानू, अपनी सारी दुकान इसमें डाल दो बेटा, ये दो डाल दे बेटा। रबड़ जा रहे मासी के घर क्योंकि पूनम का कोई डॉक्यूमेंट का काम था, तो इसीलिए हम दोनों जा रहे हैं, दोनों बहने। और सर्दी इतनी ज्यादा इसलिए मैंने सर को लिया ताकि ठंड ना लगे। क्या अंकल बना लिया? गार्ड अंकल बोल रहे थे पायलट के लिए बनाओ, पायलट तो बनता है हमारा साथ। ओह भाई साहब इतनी ठंड है, अब मैं मिलती हूँ आपसे मासी के घर जाके क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है, मेरा फोन गिर जाएगा मेरे हाथों से। मासी के चलिए चलते हैं अंदर, अंदर है, अंदर है अंधेरा। अंदर है अंधेरा। ये मासी है जो मस्त गुदड़े में घुस के सो रही थी आराम से, ये भाग गई है कैमरा के आते ही भाग गई। और हम लोग आ गए, अब बैठे कुलदीप बैठे, कुलदीप अच्छा बंद नहीं करूंगी। मन तो पसंद ही बने, चार पीस छोटे आधा किलो तो 10 किलो दे दी। पहले करवा के लाती थी, इतनी बोली थी मैं सोच मैं पहले व्हाट्सएप भी डाउनलोड करवा के लाती थी दुकान वाले से, रुपए मेरे से 50 रुपए ले लेता और दे भी आती थी, दे आती थी भाई मेरे को क्या पता। वो फिर डाउनलोड करिए ये जाके बोलते भैया व्हाट्सएप उड़ गया वापस कैसे आएगा, बोलता मैम मैं कर दूंगा। हाँ, 50 रुपए लगेंगे मैम मैं कर दूंगा। फिर कर देते, फिर बोलते मैम यही है क्या? मैं यहाँ यही है भैया, थैंक यू थैंक यू और फ्री को थैंक यू बोल रहा थी आग लग। फिर भगवान को शुक्रिया अदा करती, भगवान थैंक यू मेरे व्हाट्सएप पर।
सो फ्रेंड्स अब जा रहे हैं घर पे. टाइम क्या हो गया? 4:43 हो गए और अब हम निकलेंगे क्योंकि हम लोग इसलिए रुक गए बारिश आने लगी थी और बारिश बहुत भयंकर आई थी और बहुत ठंड हो गई है बाहर. तो मैं अभी दुपट्टा उपट्टा बांध के जाऊंगी एकदम अच्छे से क्योंकि ऐसे तो हवा लगेगी. बांध देते हैं दुपट्टा. चाय पी ली, बिस्किट खा लिए, गजक खा ली, लदे डाल दे, ऑरेंज खा लिया, सब कुछ खा लिया. अब जाएंगे. वाह अच्छा ही वीडियो लदिका इस शुरू से ले थोड़ा सा दिखा दे. चल मेरा दिखा दे, मेरा शादी का वीडियो दिखा रहा है मेरे को कोई. हमने ऐसे बनाया था रूम में, दिखाते हैं आप लोगों को. ये जो हम लोग वहां थे ना तब का वीडियो है, थोड़ा सा ऐसे बना लिया हमने. बिंदे क्यों, ये हमारी बिंदी है? तो हम ले जाते हैं. और ये मंकी तेरा को. चलो चलते हैं. रेडी तो फिर बैठ गई. चल अरे भाई चलते हैं बाहर. बाहर इतनी ज्यादा ठंड है, इतनी ज्यादा ठंड है जिसकी कोई हद नहीं है. क्योंकि अभी आई थी बारिश बहुत तेज, उसके कारण ठंड हो गई. अरे यार बारिश तो अभी भी आ रही है. देखती मजाक कर, बारिश आ रही हो ना. जूते उते सब गिले हो गए. बॉल पंच का याद बन दिया उसका. बारिश आ रही है, बारिश आ गई. जूता और अलग गया यार, तेरे जैसे तेरी गर्म चप्पल, तेरी गर्म चप्पल पहन के जाऊंगी. बारिश आ रही है हम लोग आए हैं कौन सा मार्केट है, हेरिटेज, जयपुर हेरिटेज बाजार. क्योंकि हमें मास्क लेना है तो हम लोग मास्क लेने आए. अभी चलते हैं नीचे बेसमेंट में. शॉप बंद है, खुला है? खुला है. हम लोग मास्क लेने आए. मास्क तो हमें मिले नहीं तो हमने लिया है जॉकी से लिया है पजामा, परी के पापा के लिए. उनका पजामा ख़राब हो गया था, मतलब कलर वलर चला गया तो उसका अच्छा लग रहा था. तो फिर मैंने दो गर्म पजामे लिए उनके लिए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है. बस यही लिया हमने और कुछ नहीं लिया. कोई नहीं, हम कपड़े चेंज कर लेंगे घर जाके. दुपट्टे से पूछ ले, मेरा दुपट्टा दो. स्कूटी गिली हो गई, बारिश अभी तक आ रही है. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. एंड ये है नेक्स्ट डे का वीडियो. और आज परी को स्कूल नहीं जाना था इसलिए हम थोड़ा लेट उठे हैं. ठंड बहुत ज़्यादा थी, कल बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से थोड़ी ठंड हो गई है. और आज परी को स्कूल तो जाना नहीं था क्योंकि आपको पता है कि स्कूल अभी वापस बंद हो चुके हैं. एंड इसकी वैसे भी विंटर वेकेशन चल रहे थे, उसके बाद स्कूल से मैसेज आया कि अब जो भी क्लासेस है वो ऑनलाइन ही होगी. तो अभी बस परी ऑनलाइन क्लास लेने बैठेगी एंड मेरे फ़ोन से ही क्लास लेगी वो, क्योंकि लैपटॉप रेस्टोरेंट पे ले गए. तो देखती हूँ आजकल मैं वापस मंगवाना पड़ेगा क्योंकि रोज़ तो मैं उसको फ़ोन नहीं दे सकती एंड फ़ोन में थोड़ा प्रॉब्लम भी होती है, दिखाई नहीं देता अच्छे से. तो लैपटॉप में क्लासेस ले लेगी. एंड अर्शु बहुत जिद कर रहा है कि मुझे बाहर लेके चलो, बाहर लेके चलो. तो देखते हैं उसको कहीं लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते. जूस पीने जाना था वैसे तो, लेकिन इतनी ठंड में मन ही नहीं करता जूस पीने का. तो अभी पूनम नहाने गई है एंड मैं अभी ब्लैंकेट में ही बैठी हूँ. अब उठूँगी बस और परी की क्लास लगाऊंगी सबसे पहले, तो उसके बाद नहाऊंगी मैं भी. क्या हुआ परी? हाँ कर लो. अभी अर्शु हमारा सो गया है एंड मैंने अभी 12:30 हो रही है, अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. और अभी भी मुझे बीच में छोड़ना पड़ेगा क्योंकि परी की क्लास 2:00 तक है और इतनी क्लासेस इसकी अब तो जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है. तो मुझे दूसरा फ़ोन है जो ख़राब है, अभी उसको ठीक करवाना पड़ेगा क्योंकि अगर इसमें परी क्लासेस लेगी तो फिर मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगी. इसलिए मुझे वो फ़ोन ठीक कराना पड़ेगा. जब तक वो फ़ोन ठीक नहीं होता तब तक मुझे इसी फ़ोन में उसको क्लासेस दिलवानी पड़ेगी. तो अर्शी हमारी सो चुकी है एंड इसकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है. और ये देखो हमारी मैडम अपने कपड़े निकाल रही है. मैं इसको बोल रही हूँ नहा ले, बोली नहीं मम्मा आज बहुत सर्दी है, मैं भी नहीं नहाऊंगी. भाई नहीं नहाया तो मैं भी नहीं नहाऊंगी. मैंने अर्शु को तो नहीं नहलाया क्योंकि कल नहलाया था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ठंड है. कल भी थी लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको नहीं नहला रही आज. तो परी भी मना करेगी मम्मा मुझे भी नहीं नहाना. फ्रेंड्स मैं कैसे नहाऊं, अभी 1:00 होने में सिर्फ
15 मिनट्स है और 1 o'clock पे कौन आता है? तो आज 1 o'clock पे वो ठंड है। तो ये नहाना कैंसिल कर चुकी है अपना, और मेरा मन ही नहीं कर रहा बिस्तर से बाहर निकलूंगा। इतने सारे कपड़े कल हमने धोए नहीं क्योंकि कल मौसम खराब था, तो मैंने सोचा कि चलो कल धोएंगे जब शायद धूप निकल जाएगी, लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। आज तो कल से भी ज़्यादा ठंड है क्योंकि कल बारिश हुई थी इस वजह से। तो अभी कपड़े मशीन में डालकर तो आई हूं, और उनको नीचे हमारी वो है स्टैंड, उससे भी सुखाना पड़ेगा। तो सिलसिला लेने गई है, उसके बाद हम कपड़े सुखाएंगे। एंड ओवर भी एक टब भरा हुआ पड़ा है, लेकिन वो मैं नहीं वॉश करूँगी क्योंकि फिर सुखाने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो साफ आ रही एकदम। हम इस रूम में आज हीटर लगा के बैठे हैं, इतनी ज्यादा ठंड है। ये हमारे हीटर के आगे भी कम्बल ओढ़ के सो रही है। मैं बैठी हूँ यहाँ पे, अर्जुन वाला पॉटी कर रहा है। परी हमारी पढ़ रही है, सुशीला लसन छील रही है, सब लोग एक ही रूम में बैठे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। इसमें हीटर लगा लिया है तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे, और मैं बैठी हूँ परी को पढ़ा रही हूँ, साथ में बातें कर रहे हैं हम लोग। और आज मैं सोच रही थी अच्छे से व्लॉग बनाऊंगी, पर इतनी ठंड में कोई भी अच्छे से व्लॉग नहीं बनाया। सो जैसा है वैसा देख लेना आप लोग, ठीक है? और लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगे तो भी लाइक कर देना। और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। और बाहर मेहमान आए हुए बैठे हैं क्योंकि उनको काम जाना है। मेरे हस्बैंड लोग कैसे मस्त नींद निकाल रहे हैं, कह रहे हैं उनको बोलो कि 20-25 मिनट वेट करें कि मैं थोड़ी देर सोता हूँ। तो वो वहाँ पे सो रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं, गेस्ट टाइम है। अभी उठाएंगे इनको, चाय वाय बनाएंगे, उठाएंगे, और उसके बाद ये गाँव जाएंगे आज। अर्शु अपन जब जूस वाले भैया के पास जाएंगे तो क्या लाएंगे? टूटू अंचोचन का डब्बा लाएंगे ना। अर्शु का फिनिश हो गया? क्या फिनिश हो गया? मम्मा हाँ जूस पीने चलना। जूस सुबह जाते हैं ना जूस पीने? तो अभी तो पापा सो रहे हैं, पापा हमको लेके नहीं जाएंगे जूस पीने। पापा सो रहे हैं ना अभी, तो पापा वापस आएंगे ना, उठेंगे ना, उठेंगे फिर चलेंगे हम जूस पीने। और फिर क्या लाएंगे अर्शु के लिए? क्या लाएंगे गानो? टूटू कौन आ गया? तेरा दोस्त आ गया? नहीं अर्शु को लेगा, अर्शु का दोस्त आ गया। और अर्शु को आ रही है नींद, लेकिन अभी बजी है 7:07 भी नहीं बजी पूरी, तो मैं अभी इसको सोने नहीं दूंगी। सो ही गया था ये वैसे तो, इसको उठाएंगे अभी। अर्शु कहने उठ जा, इसको नींद आ रही है। उठ जा 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 उठ जा। मेरा गुंडा भी था कानू, सोना नहीं है अर्शी, नहीं सुन रहा, ये मूव ले लीजिए जो, ठीक है कानू? हाँ पापा, पापा पापा ना इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं, जाओगे? जाओगे इंजेक्शन लगवाने? ठीक है, ये नहीं जाएगा इंजेक्शन लगवाने, ठीक है? पापा इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं, पापा की टम्मी में पेन हो रहा है ना, तो पापा डॉक्टर के पास। अभी मैं आई हूँ किचन में, अर्शु के लिए थोड़ी सी मैगी बनानी है क्योंकि उसने बोला मम्मा मुझे भूख लगी है मैगी खानी है, उसके अभी वो सोएगा क्योंकि आज दिन में वो 12 बजे सो गया था तो उसको नींद आ रही थी, इसीलिए मैं आई हूँ किचन में। उसके लिए थोड़ी सी मैगी बनाएंगे, अर्शु खाएगा तो फिर बच्चे भी खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा मन नहीं है मैगी खाने का। तो मैंने अपने लिए बस थोड़ा सैलेड ही खाऊंगी मैं, क्योंकि मन नहीं है सनी की, मैं डाइटिंग पे हूँ, बस मन नहीं है कुछ हैवी खाने का, तो इसलिए मैं बस थोड़ा सो ही खाऊंगी। एंड मैं मैगी बना देती हूँ पहले, और उसके बाद अर्शु को खिलाएंगे, उसके बाद सुलाएंगे, उसके बाद। चलिए गाइस आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।